लोग खाते हैं जीने के लिए, मैं जीता हूँ खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ बुरहान अहमद नामदार, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अच्छा जी, आपने अगर पिछला व्लॉग देखा है तो आपको शायद पता हो कि जी हमने कसूर की एक फ़ूड सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम तरह तरह के खाने जो है वो निकाल रहे हैं, जो कसूर की जो ओल्ड जेम्स हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो आज जो है हम जाने लगे हैं कसूर की जो हलवा पूड़ी है, और एक जो है वो हम हुज्जे के जाके चने जो है वो ट्राई करेंगे। चलते हैं जी सीधा नाश्ते वाली दुकान की तरफ। वालेकुम सलाम रहमत। शेख ब्रदर, शेख ब्रदर तकरीबन 85 साल हो गए अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बढ़ते बैठे हैं। और हमारी तीसरी नस्ल है इधर बैठे हुए, तीसरी नस्ल है। हमारे अबाओ जदाद बताते थे ये सिखों के गाथे साथ, उस वक्त से हम इधर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, हमारे पास शेख ब्रदर्स की जो सबसे कसूर की पुरानी हलवा पूड़ी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पुरानी जो है पूड़ी है। और ये जी इनके आगे चने, और ये स्पेशल हलवा पूड़ी के जो चने होते हैं ये बिल्कुल जो एक अथेंटिक जो है ना वो बिल्कुल वैसे शोरबे के अंदर जो चने डूबे। साथ हमारे पास आ गया जी मीठे में मीठा एक पेड़ा, साथ आ गया है हलवा, इसको मीठा पूड़ा भी कहते हैं। तो अब जी ये हमारे पास आ गई है पूड़ी। पूड़ी आप देख सकते हैं कि भाई कितनी फूली हुई है, बड़ी बेहतरीन किस्म की पूड़ी है, और एक बड़ा लाइटिश गोल्डन सा इसके ऊपर जो है वो एक आ रहा है। अब हम चलते हैं जी इसके अंदर, ये आप चेक कर सकते हैं गर्म हवा निकलेगी इसके अंदर से। इसको जी अब करते हैं जी टेस्ट। ये जी हमारे पास आ गई जी हलवा पूड़ी के चने, ये हम जी इसको करते हैं जी टेस्ट, शोरबे में लगाते हैं ज़रा। और एक बड़ा नमकीन सा फ्लेवर है, बहुत बेहतरीन किस्म के चने हैं, तो जो है ना फुल आपको वाइब आ रही है चनों की। जब आप पूड़ी के साथ जो है पूड़ी तोड़ते हैं, बड़ी नरम सी पूड़ी है, आम जो हैं पूड़ियाँ कट जाती हैं, लेकिन इसके अंदर भाई पता नहीं क्या है। क्या पूड़ी चेक कर सकते हैं कि कितनी फ्लफी पूड़ी है। चने फिर लगाते हैं ये साथ, और ये साथ और एक अंदर बड़ा नमकीन सा फ्लेवर आ रहा है, और टेस्ट का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। कसूर में सबसे मशहूर हलवा पूड़ी क्यों है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी इनका हलवा, और ये आ गया जी मीठा पूड़ा। इसको अब जी टेस्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी हलवा आप चेक कर सकते हैं कि भाई बड़ा एक शाइनी सा हलवा है, और आम हलवे तो गोल्डन होते हैं, लेकिन ये ज़रा लाइटिश येलो है। इसको अब जी चेक करते हैं। भाई जान, ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, बहुत लाइटिश सा मीठा है, और पता नहीं चल रहा आपको कि भाई तो कुछ आपने खाया है। चलते हैं ये मीठे पूड़े की तरफ। अंदर से की तरह जिस तरह अंदर सा होता है ना, ये बिल्कुल उस तरह, बहुत नरम किस्म का जो अंदर सा है ना, जिस तरह खोए वाला अंदर सा होता है, ये बिल्कुल उस तरह। सर पहले तो अल्लाह का नाम है, उसी की वजह से सारा काम है। बस लोग स्पाइसी मांगते हैं तो हम चने स्पाइसी दे देते हैं लोगों को, लिहाजा लोग पसंद करते हैं। तो मेरे वालिद साहब का तो 35 साल से तजर्बा है, और मुझे हो गए 20 साल हो गए उनके साथ लगे हुए।
अच्छा जी, ये हमारे पास जो है कसूर के वन ऑफ द मोस्ट जो हैं पुराने चने, उनमें से एक ये भी हैं हुज्जे के चने, और इनको तकरीबन 50 से 55 साल हो गए हैं। तो ये हमने मंगवाए हैं जी चने, और ये कहते हैं जी कि इनके जो चने हैं वो स्पाइसी होते हैं, तो इसको अब देते हैं जी टेस्ट टेस्ट। साथ हमारे पास आ गई हैं खमीरी रोटियां, तो इसको करते हैं जी चेक। ये जो चने हैं ये सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि चना जो है एक तो बहुत बड़ा चना है। साथ इसको रायते में जी डिप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने जो हैं वो सच्ची स्पाइसी हैं। जो लोगों को पसंद है स्पाइसी खाना, चना जो है वो बहुत एक मोटा चना है, और अंदर एक जो है इसको भी आप चेक कर सकते हैं, चना जो है वो बहुत एक मोटा चना है, आम चना नहीं है, और चने के अंदर जो टेस्ट है वो इसके अंदर ही है। जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा जी कि ये क्या चीज़ है, पता चलता है भाई क्योंकि कोई आप स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं। ये ऊपर तरी आप देख सकते हैं, ऑयल के ऊपर जो ग्रेवी लगी हुई है, साथ जो है चने की एक अंदर जो ग्रेवी बनाई हुई है वो आम चनों की तरह नहीं है कि जी चने अलग और शोरबा अलग, ये सारा कुछ ही अंदर है। बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अच्छा जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कसूर के जो आपके दो शोस्ट हैं उनको मेंशन ज़रूर कीजिएगा, चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।